ये लड़का इसी जंगल में रहता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। उसी में एक काला पैंथर था जिसका नाम बघीरा था और इन सभी भेड़ियों का एक सरदार था। इन भेड़ियों ने इस लड़के को पाला था और यह भेड़िया इसको अपना बेटा मानती है। वहाँ कुछ समय बाद भीषण गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से यह सुंदर धरती पूरी तरीके से सूख जाती है। लेकिन वहीं पर एक जानवर था, उसको एक गड्ढे में पानी भरा हुआ दिखाई देता है। वह सभी जानवरों को चिल्लाकर बताता है जिससे सारे जानवर प्रेम भाव से वहाँ पानी पीने आते हैं, जिसको देखकर सभी जानवर हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। वे सभी इसको जानवर समझ रहे थे जो दो पैरों पर चल रहा था। इसके पानी पीने के तरीकों को देखकर सभी हैरान थे। तभी भेड़ियों का सरदार आसमान में देखता है तो गिद्ध मंडरा रहे थे। वह लड़के को अपनी तरफ आने को बोलता है और तभी वहाँ पर जंगल का सबसे खूंखार टाइगर आता है जिसका नाम अजगर होता है। उसको देखकर सभी जानवर पीछे हटने लगते हैं। तभी अजगर को इंसान की महक आती है, वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। लेकिन यह सभी भेड़िया कहते हैं कि यह हमारे परिवार का हिस्सा है और अजगर कहता है कि इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो।